रहीम अस्सलामुअलैकुम। तीन किस्म के नए तो नहीं बोल सकते हम, इनमें एक पुराना है जी और दो यानी कि न्यू मुतारफ करवाए गए हैं। अच्छा, ये जुर्माने किनको होंगे ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, इनसे डरने की ज़रूरत कब तक है ये भी क्लियर करता हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, ये पहले आपको ये बता दूँ मैं, ये मक्का पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है और यहाँ पर आपको पहले मैं उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है वो सुना दूँ, फिर आपके साथ तफसील से शेयर करता हूँ। यानी कि 50,000 रियाल और 6 माह कैद है, 10,000 रियाल है और साथ में तरहील है। कैसे है पहले इनकी ज़ुबानी सुन लें, फिर आपको बता भी देता हूँ। بلا تصريح يطبق بحقهم عقوبة تصل إلى 50,000 ريال وسجن 6 أشهر، والمطالب بمصادة المركبة سواء للناقل أو المتواطئ أو المساهم بذلك وترحيل الوافد إذا كان صاحب جي تو آپ نے سن لیا ہے, मैं आपको अभी तफसील इसकी बता देता हूँ भाई। सबसे पहले 50,000 रियाल का फाइन है जी और साथ में 6 माह कैद है, ये उनके लिए है। 50,000 रियाल फाइन, 6 माह कैद, ये उनके लिए है जो किसी भी हाजी को बगैर परमिशन के अपनी गाड़ी में बैठाएगा, उसको सफ़र करवाएगा। अच्छा, दूसरी, चाहे आप मक्का में करवाएं चाहे मक्का ले जाते हुए करवाएं, इसमें दोनों आएंगे। दूसरा ये है जी, जो आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, यानी कि 10,000 रियाल साथ में तरहील है, लेकिन ये कानून है कब तक अभी ये समझ लीजिए। आज हज पढ़ा जा रहा है, यानी कि ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो के 2-3 घंटे बाद हज का खुतबा शुरू हो जाएगा और हज कम्प्लीट हो जाएगा आज, यानी कि आज रात छोड़ दीजिए, कल सुबह फर्स्ट टाइम से आप सफ़र कर सकते हैं मक्का के लिए। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये हज तक के लिए कहा गया था, जब तक हज नहीं पढ़ा जाता है, जब हज का खुतबा हो जाएगा उसके बाद आप मक्का के लिए सफ़र कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे हम मक्का भाई क्या लेने जाएंगे, तो आपको ये बता दूं कि बहुत से अफराद मक्का के लिए सफ़र करते हैं हज के दूसरे दिन, यानी कि ईद नमाज की पढ़ने के लिए, और उसके अलावा ईद वाले दिन इसलिए भी सफ़र बहुत से हजरात करते हैं कि बहुत से अजीज़ो अकारक दोस्त अखबाब उनके मक्का में होते हैं हज के ऊपर, और वो कुर्बानी करते हैं और वो कुर्बानी का गोश्त वगैरह उनसे लेने जाते हैं, नज़दीक शहरों से आ जाते हैं। तो आप कल से सफ़र कर सकते हैं, कल से आपके ऊपर ये कोई भी किसी किस्म का फ़ाइन नहीं होगा, लेकिन आज गुरेज कीजिएगा, यही बेस्ट है।